बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, मैं नूरतराम रोडी, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि आज की सुपर फाइव यानी आज की पांच बड़ी खबरें क्या कुछ है उन पर हमारी पूरी नजर बनी रहती है। और आपको बता दें हर दिन हर शाम की पांच बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं। आपको बता दें आज की पांच बड़ी घटनाओं में यह है कि ट्विटर पर अभी भी बहुजन समाज का हल्ला बोल जारी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार मायावती ने कल अपनी पार्टी की बैठक है वो बुलाई है, लखनऊ पार्टी कार्यालय के अंदर वो अपनी बैठक करेगी। साथ ही आपको बता दें कि तीसरी बड़ी घटना, आपको बता दें कि नशा जो है पंजाब की जो आपको बता दें कि सबसे बड़ी समस्या है उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पंजाब के अंदर प्रदर्शन किया गया अलग अलग कार्यालयों के ऊपर, जिसमें पंजाब के अमृतसर में भी बहुजन समाज की पार्टी की तरफ से आंदोलन किया गया। चौथी बड़ी घटना की रुख करते हैं, आपको बता दें कि लोजपा जो है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बना दिया गया है। आप तो बता दें कि अब तक इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी हुआ करते थे, अब उन्होंने अपने बेटे को जिम्मेदारी दे दी है। और पांचवी बड़ी घटना की और आपको रुख करते हैं, आपको बता दें कि बिहार के अंदर राजीव रंजन नाम के एक दलित वीडियो की हत्या या आत्महत्या का मामला काफी ज्यादा सुर्खी पर है। यह आज की पांच बड़ी घटनाएं थी जिन पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से। पहली खबर की ओर रुख करते हैं और आपको बता दें कि ट्विटर जो अकाउंट ट्विटर सोशल साइट प्लेटफॉर्म है उसको लेकर पिछले कई दिनों से बहुजन समाज और ट्विटर के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। ट्विटर की गलत नीतियों के खिलाफ बहुजन समाज के लोग ट्विटर पर ही विरोध कर रहे हैं। ट्विटर के अंदर भारत के अंदर ट्विटर की जो नीतियां हैं उनको लेकर बहुजन समाज के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है। उनका कहना है कि ट्विटर भारत के अंदर जातिवादी मानसिकता रखता है, SC ST OBC के लोगों को ट्रेड नहीं करवाता, उनको ब्लू टिक नहीं देता। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर बहुजन समाज के लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इसको लेकर भीम आर्मी की तरफ से ट्विटर के जो मुख्यालय है मुंबई का वहां पर भी प्रदर्शन किया गया। साथ ही ट्विटर पर जो सोशल साइट ट्विटर है उस पर भी विरोध प्रदर्शन जारी है। दूसरी बड़ी घटना की ओर रुख करते हैं और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वैन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर हुए 11 सीटों के उपचुनाव को लेकर जो समीक्षा बैठक है उसकी तारीख घोषित कर दी है। कल सुबह 6 तारीख बुधवार को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वैन कुमारी मायावती अपनी पार्टी ऑफिस के अंदर अपने कार्यकर्ताओं अपने पदाधिकारियों नेताओं के साथ बैठक करेगी, जिसमें पार्टी के प्रमुख नेता गण मौजूद रहेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर पदाधिकारी जिला अध्यक्ष समेत तमाम लोग मौजूद रहेंगे और 11 जो सीटें हैं उन पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही कुछ बड़े बदलाव की भी आशंका जताई जा रही है। तीसरी बड़ी घटना की ओर रुख करते हैं और आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी की ओर से पंजाब में ड्रग्स या नशा की समस्या को लेकर पंजाब के अंदर पुलिस IG ऑफिस के ऊपर काफी ज्यादा प्रदर्शन किया गया। पंजाब की अमृतसर के अंदर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की तरफ से IG ऑफिस के बॉर्डर पर कार्यालय पर जमकर बवाल किया गया। और कार्यकर्ताओं का कहना है कि पंजाब के अंदर ड्रग की समस्या तो बहुत भयंकर है, लेकिन उसके बावजूद भी SC ST के OBC के लोगों को इन मुकदमों के अंदर जबरदस्ती फंसाने की भी कोशिश की जा रही है, जिन पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चौथी बड़ी घटना की रुख करते हैं, आपको बता दें कि लोजपा LJP जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है, रामविलास पासवान बहुजन जो बिहार है वहां के दलित नेता के तौर पर माने जाते हैं और उनकी पार्टी के अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान हुआ करते थे, लेकिन आज की पार्टी की बैठक के अंदर रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान को जो कि सांसद भी है उनको नॉमिनेट किया है LJP के अंदर। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जो है रामविलास पासवान की जगह उनके बेटे चिराग पासवान जिम्मेदारी संभालेंगे। पांचवी बड़ी घटना की रुख करते हैं, आपको बता दें बिहार से ही बड़ी घटना आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से देखें तो मानसिक जातिवादी प्रताड़ित होने के कारण दलित सरकारी कर्मचारियों की जो हत्या है वो उनका मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में है। आपको बता दें कि करीब 2-3 पुलिस की जो अधिकारी हैं वो उन्होंने आत्महत्या कर ली है। कई वीडियो कई जगह पर दलित जो कार्यकर्ता है वो जाति धर्म या आदत के आधार पर कार्यालयों के अंदर होने वाले भेदभाव से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया बिहार से, जो कि आपको बता दें कि बिहार के अंदर BDO राजीव रंजन की आत्महत्या हो गई थी। परिवारजनों का कहना है कि इनको जातिवादी मानसिकता के तौर पर प्रताड़ित कर करके इनको इतना परेशान कर दिया कि इन्होंने आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाया। हर तरीके के मामलों में इसी तरीके की हो रही है और आपको बता दें कि देश भर के अंदर इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नई वीडियो नए अपडेटों के साथ हम मिलेंगे। ये आज की पांच बड़ी खबरें थी जो आपके लिए जानना